और इस रजाई में कौन है, रजाई क्यों फैला हुआ है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ इस रजाई में कौन हो। देखिए देखिए कौन है, देखिए 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 कौन है, देखिए देखिए दिखाओ, देखिए कौन है। आज स्कूल है तब भी ये घर पर है, क्यों है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अच्छी हूँ, लेकिन मयंक अच्छा नहीं है क्योंकि इसका तबीयत खराब है, इसीलिए आज ये स्कूल नहीं गया। इसको बहुत खांसी हो रहा था, कल से ही खांसी हो रहा था। कल छत पर ये बिना कपड़ा पहने ही केवल इनर पहन क्या पतंग उड़ा रहा था। मैं बोली थी कि कपड़ा पहन लो, स्वेटर जैकेट कुछ भी पहन लो, लेकिन कुछ भी नहीं पहना था और बिना मतलब के उड़ा रहा था पतंग। मैं इस वक्त सुबह में 5 बजे उठी, बोला था कि क्या लगाना तुमको नाश्ता, आज क्या बोला था, पूरी। शाम में ही बोल दिया था कि पूरी चाहिए इसको नाश्ता में ले जाने के लिए। तो मैं 5 बजे उठ के और इसको रस्सा वाला आलू के साथ पूरी चाहिए था। मैं 5 बजे ही उठकर रस्सा वाला आलू के सब्जी बनाई और पूरी बनाई, और जब इसको 6 बजे जगाई तो इसको खूब खांसी होने लगा और इसका उल्टी जैसा मन लग रहा था। फिर हस्बैंड बोले कि छोड़ दो, पता चला स्कूल में जाने के बाद ज्यादा ही तबीयत खराब हो गया, तो फिर इसीलिए कि ज्यादा तबीयत ना खराब हो इसका, इसीलिए इसको आज नहीं भेजे। और देखिए ये अभी रजाई में लेटा हुआ, अब इसको छत पर ले जाऊंगी, तेल लगाऊंगी, थोड़ा सा सरसों के तेल पूरा शरीर में मालिश कर दूंगी। और मैं आप लोगों से बात करते करते मॉइस्चराइजर भी लगा ली, और आप लोग को लग रहा हुआ कि एक क्या है यहाँ पे रखा हुआ, तो ये नेबुलाइजर है, इसको रात में भी लगाई थी और अभी भी लगाई थी। मैं इसको लगा होगा कि फिर नहाने गई थी, तो अभी इसको रख देती हूँ क्योंकि अब अभी नहीं लगाऊंगी, अब इसको रात में लगाऊंगी। और देखिए किस तरह से नाच रहा है, तबीयत खराब है तब भी। बोर्ड हो रहा हूँ, ये स्कूल नहीं गया है ना, तो इसको बोरियत लग रहा है घर में, क्या करे। पढ़ी लेता तो चल जाता, मैं तुम पढ़ा लूंगी। नहीं अभी तेल लगाएंगे वैसे, तो अभी इसको पहले मैं रख देती हूँ क्योंकि अब एक बार शाम में फिर लगा दूंगी, तो देखते हैं कल जाने लायक रहता है कि नहीं। अरे इसको सुबह में कफ सिरप दी थी और उसके बाद नेबुलाइजर अभी लगाई थी, तो अभी कुछ रहा था, लेकिन अभी इसी के चक्कर में हो गया दोपहर। अभी मैं 12 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ क्योंकि इसी के साथ थोड़ा देख रेख में, बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको मम्मी की आवश्यकता ज्यादा ही पड़ने लगता है। तो अभी मैं थोड़ा देर पहले नहाई तो आई, नाश्ता की, तो मैं सोची अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। ये सब को रख देती हूँ ऊपर में, रखता है। देखिए बच्चा का बीमार है तब भी नाच कूद रहा है, यही होता है। चलो अब छत पर चलते हैं, तेल लगाएं। चलो चलो हटो, ये खाली पल घर में घूमता है, अभी ठंडा का मौसम हो गया इसीलिए इसको खांसी सर्दी हुआ है। कितना भी बोलते मयंक सॉक्स पहन, हटो हटो, छत पर अभी चलेंगे ना, सॉक्स पहन लो या स्लीपर पहन के घर में घूमो, नहीं इसको खाली पर ही घूमना है, तो इसीलिए इसका खांसी वासी हो जाता है। और ये सरसों तेल है, ये शुद्ध सरसों तेल है, तो क्योंकि बच्चे के इस तरह से तबीयत खराब होता है तो सर्दी जुकाम में घरेलू नुस्ख भी अपनाना चाहिए, कुछ जैसे दूध में हल्दी डाल के देने से, और इस तरह सरसों तेल को गर्म करके पूरे शरीर में तेल मालिश करने से थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, रिलैक्स जैसा। तो तेल गर्म हो गया, अब चलते हैं छत पर। और देखिए जब तक मैं गई तेल गरम करने, मेरा रजाई का फोल्ड किया हुआ क्या किया है, तो मैं अभी तो कुछ करने वाली नहीं हूँ, अभी इसको सीधे लेकर जाऊंगी छत पर। चलो मयंक, मयंक चल, हाँ चलो, तेल गर्म हो गया, चलो चलो, तो चलिए अभी तो छत पर चलते हैं जल्दी से। और ये सब कुछ कपड़ा है, सब को भी लेकर
तेल ले लेती हूँ किचन से। इधर से मेरे चेहरे पर पूरा धूप पड़ रहा था, आंख भी नहीं खुल रहा था, तो मैं मयंक से बोली कि इधर तो धूप पड़ रहा है मेरे चेहरे पर, तो बोला तुम इधर आ जाओ, इधर हटो, हमको उधर बैठने दो। इधर सोचे थे तुम यहाँ पर छा हमें, हाँ इधर से मेरे मुंह पर नहीं धूप लगता, आ जाओ पहले ही उतार लो, मेरी भी नहीं लगेगा तो तुम अभी लेटेगा तो नहीं लगेगा। अंदर हाफ शर्ट पहन ले है, चलो रहने लेटो। और फिर मैं मयंक को अभी अच्छे से पूरे शरीर में उसका तेल मालिश कर दूंगी। शरीर में जो तेल लगाया वो अच्छे से सूख जाएगा, उसके बाद फिर चलेंगे नीचे। दोनों कदा भी नहीं। मयंक किधर किधर घूम रहा है देखिए, कल स्कूल जाएगा कि नहीं? मन है और खांसी रहेगा तब भी जाओगे? और धूप में क्यों नहीं बैठा है? मन नहीं। इसको ज्यादा ही धूप लगता है, सारे कपड़े सूख रहे हैं। क्योंकि बहुत टाइम हो गया, धूप भी तेज लगने लगा है। मम्मी जी बोल, अपना पॉइंट उधर निकालना है। चलो पानी पियो दो गिलास और रजाई ओढ़ के लेटो।
नौटंकी नौटंकी इतना खराब लगता है कफ सिरप की दवाई नौटंकी। जीव क्यों दिखा रहा है? और जिससे दवाई दी उसका कैप धोकर और उसमें लगा दी, और मुझे भी बहुत जोर से प्यास लग गया था तो मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी पी रही हूँ और अभी चावल भी मैं रख दी गैस पर। और जब तक सीटी दे रहा है तब तक मैं भी मयंक के साथ लेटती हूँ मयंक जी, क्योंकि सीटी देगा तभी तो खाना खाएंगे। तो अभी किचन में कुछ काम था नहीं, केवल चावल बनाना था तो चावल को गैस पर रख दी हूँ और अभी सीटी देगा तो जाके बंद करूंगी फिर इन लोगों को खिलाऊंगी। मयंक मैम के नंबर से कॉल कर रहे हैं, वो भी व्यस्त है और आपका मोबाइल फोन नहीं उठा सकते, कृपया कुछ देर बाद प्रयास करें। बाय बाय। अच्छा अब मयंक जी इधर से बोल रहे हैं। सुनो ना क्या सही इन नौटंकी है, इन नौटंकी करता है। अम्मा मेरे को उल्टी आ जाएगा, छोड़ दो। उल्टी कैसे हर चीज में आएगा? उल्टी आ जाएगा, उल्टी आ जाएगा। कुकर सी बुला रहे। अरे मैं बन जाऊंगा भूल आ जाए बस, देखो किस किस दिया तो हर चीज। अच्छा तो चावल बन गया है, चलिए गैस को बंद किया जाए। सीटी दे दिया कुकर, गैस बंद। खाना नहीं खाएगा? नहीं, अभी सोएगा, नींद आ रहा है। तो ढक दे रहा जाइए, अभी नहीं खाएगा, बोला कि थोड़ा देर में खाएंगे। अभी कफ सिरप दिया है ना, इसको नींद जैसा लग रहा है, सोने देते हैं। मुझे लगा कि वो खा लेगा तो मैं लेकर चली गई दाल चावल सब कुछ मिला के, और वो बोला नहीं खाना है उसको, भी नहीं खा लेगा मैंने, तो मैं ढक कर रख देती हूँ, उठेगा तो गर्म करके दे दूंगा उसको। और यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा खाना खाया था, वो भी दाल चावल छोड़ ही दिया था, थोड़ा सा खाया था। तो मैं सब बर्तन में पानी डाल दी और अभी गैस स्लेब को साफ करके जा रही हूँ मयंक को देखने के लिए, क्योंकि उसका तबीयत खराब हो जाता है ज्यादा ही तो फिर वो शांत हो जाता है। ऐसे तो थोड़ा बहुत खराब रहता है तो वो हलचल मचाते रहता है, हंसी मजाक मेरे साथ करते ही रहता है, लेकिन जब ज्यादा खराब हो जाता है तो वो शांत हो जाता है। और देखिए मयंक अभी तक सो ही रहा है, खाना पीना कुछ नहीं खाया है। जगा रही थी तो बोला मम्मी थोड़ी देर मैं भी सोचती हूँ, थोड़ी देर इसको सो लेने देती हूँ, थोड़ा सा शांति मिलेगा और देखती हूँ कहीं फीवर उबर तो नहीं आ रहा होगा। तो मैं अभी इस ब्लॉग को ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगी, क्योंकि बच्चे का तबीयत अगर खराब हो जाता है तो फिर किसी चीज में मन नहीं लगता है, चाहे वो ब्लॉग हो या कोई चीज हो। और वो भी मेरा मयंक जैसा कि वो मेरे साथ इतना हंसी मजाक करते रहता है, देखते हैं थोड़ा सा उसका तबीयत ठीक लग रहा था तो कितना उछल कूद रहा था छत पर भी नीचे भी, और अभी फिर से लग रहा है उसका तबीयत डाउन हो रहा है। गरम गरम भी लग रहा है तो मैं देखती हूँ थर्मामीटर लगाकर अभी देखूंगी कहीं फीवर आ रहा होगा। तो मैं इसीलिए अब इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं करूंगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि मयंक का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ब्लॉग तो बनता रहेगा फिर।